अब आलमगीर द्वितीय के बाद हमको शासक देखना है। आलमगीर द्वितीय के बाद जो मुगल शासक हैं वहां से आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। आलमगीर द्वितीय तक आप पिछले क्लास में देखें तो आलमगीर द्वितीय का आपका शाहजहां तृतीय के नाम से मुगल शासक हुआ। आलमगीर द्वितीय के बाद जो आप देखेंगे वो शाहजहां को देख रहे हैं, शाहजहां थर्ड, ठीक है। शाहजहां तृतीय के नाम से 1758 से 59 तक ये शासक रहेगा, ठीक है। होता क्या है कि आलमगीर द्वितीय इसके पहले कौन शासक था? आलमगीर द्वितीय है। तो जैसे ही आलमगीर द्वितीय की हत्या होगी उस समय उसका जो बेटा है अली गोहर था, ये आलमगीर द्वितीय की हत्या हुई, इसका पुत्र कौन है? इसका पुत्र है अली गोहर। तो इसकी हत्या के समय, जब आलमगीर द्वितीय जो शासक है इसकी हत्या हो रही, उस समय अली गोहर बिहार में था, ये वहां है नहीं, ठीक है। अली गोहर कहाँ था? ये बिहार में था। तो इसने क्या किया अपने आप को, शाह आलम द्वितीय के नाम से बिहार में बादशाह घोषित कर लिया। ये जो अली गोहर है ये खुद को कहेगा कि हम शाह आलम द्वितीय हो गए और बादशाह बन गया। इसने घोषणा की कि अब हम मुगल बादशाह हो गए शाह आलम द्वितीय के नाम से। इस तरह हम लोग को एक चीज जानना यह था इसमें कि जैसे आलमगीर द्वितीय की हत्या हुई उसका जो बेटा अली गोहर है वो बिहार में है, वो अपने आप को शाह आलम द्वितीय के नाम से बादशाह घोषित करेगा। ये शाह आलम द्वितीय आपके लिए महत्वपूर्ण है। हमको लगता है कि उत्तरकालीन जो मुगल शासक हुए हैं उसमें इसके कार्य चाहे जो भी रहे हो अभी आप पढ़ेंगे हमसे, लेकिन इससे प्रश्न हमेशा है, ठीक है। कोई भी एग्जाम जाएंगे यहाँ प्रश्न आते हैं आपसे शाह आलम सेकेंड से, शाह आलम द्वितीय ने बिहार में अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। इधर हम लोग देखते हैं कि शाहजहां तृतीय भी आपको हम लिखा रहे हैं। हुआ क्या है कि इसका अभी हमने आपसे चर्चा किया, एक वजीर था जो आलमगीर द्वितीय के समय भी है और अहमद शाह जब शासक बनेगा उससे एक वजीर था, जो हम लोग वो वजीर क्या करता है वो शाहजहां थर्ड को राजा घोषित करता है। इमादुल मुल्क जो हम लोग आपसे चर्चा कर रहे हैं, इमादुल मुल्क जो वजीर है, आपको पता है कि अंतिम जो फेज है इसमें वहां सरदारों का दल का या बहुत सारे वजीर का बहुत अधिक वर्चस्व चलेगा। तो इमादुल मुल्क क्या करता है, आवाज अगर कम होगा फिर बताइएगा, आवाज अभी कम जा रहा है क्या? खाली श्वेता जी कह रहा था कि आवाज कम है, बाकी लोगों को आवाज मिल रहा है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर बताएंगे। देखिए इमादुल जो मुल्क है, इमादुल मुल्क वजीर है, उसने क्या किया है कि शाहजहां थर्ड को बादशाह घोषित किया। ये शाहजहां थर्ड को नाम से रहेगा नहीं, इस कोई ना कोई व्यक्ति के लोग क्या करते थे नाम बदल के घोषणा करता था, मुही उल मिलर नाम था इसका। बहुत ज्यादा नहीं पूछना है लेकिन फिर भी अगर आप लिख लेंगे केवल मुही उल मिलर, ठीक है। इसने मुही उल मिलर को, ठीक है, मुही उल मिलर को क्या कह दिया कि आप शाहजहां तृतीय के नाम से, थोड़ा आवाज कम महसूस हो रहा है आज, हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, देखते हैं हम रहेगा तो फिर। मुही उल मिलर को इसने शाहजहां तृतीय के नाम से बादशाह घोषित किया है, ठीक है। तो मुही उल तिलर को शाहजहां थर्ड के नाम से इमादुल मुल्क घोषित कर रहा है बादशाह। आपको पता है साथ साथ कि जो अली गोहर था ये आलमगीर सेकेंड का बेटा है, ये अपने आप को शाह आलम के नाम से बादशाह घोषित करेगा, ठीक है। इस तरह इस पीरियड में हम लोग देखते हैं कि मुगल में दो बादशाह एक साथ घोषित हो गए, ठीक है। लेकिन शाह आलम दिल्ली में नहीं था, आप यहाँ पर जान रहे हैं बार बार, ये बिहार में, दिल्ली में नहीं था और ये दिल्ली आ भी नहीं पाएगा। शाहजहां तृतीय तो नहीं रहा लेकिन ये जो इमादुल मुल्क है ये पूरी तरह से दिल्ली का जो व्यवस्था है इसी के प्रभाव में रहेगा, इमादुल मुल्क के प्रभाव में रहा। शक्ति किसके पास रही? इसी के पास रही। और ये लोग क्या करेगा कि शाह आलम को दिल्ली घुसने ही नहीं देगा, ठीक है। तो शाह आलम आपका एक तरह से आप जाने के बाहर ही रह रहा है। फिर भी हम लोग देखेंगे शाह आलम का पीरियड, इसका कैसे कहानी आगे चला। तो शाह आलम 1759 से फिर हम लोग देखते हैं, अगर हैं यहाँ से 1806 ईस्वी तक इसको देखेंगे, ठीक ना। 1759 से चूंकि माधुल मुल्क मंत्री के रूप में वहां वजीर के रूप में है लेकिन कोई शासक वहां पर नहीं देखते हम लोग, तो शासक शाह आलम को जानेंगे लेकिन हालांकि वो दिल्ली में नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी तो आप लोगों को, बाकी लोगों का अगर मोबाइल ये माइक्रोफोन ऑन है तो आप लोग म्यूट कर लीजिए, ठीक है, उससे तो आवाज सोचता है डिस्टर्ब हो रहा हो। देखिए शाह आलम दिल्ली में नहीं था,
अब देख रहे हैं शाह आलम दिल्ली में नहीं है, मादुर मुल्क जो वजीर है उस शाह आलम उसके प्रभाव के कारण से ये दिल्ली नहीं आ पाएगा, दिल्ली से बाहर ही बादशाह घोषित करके अपने आप को रहेगा ये, ठीक है। अब इसी के पीरियड में हम देखते हैं पीरियड में आप 1759 से 1806 महत्वपूर्ण इसका पीरियड है, इसमें हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण घटनाएं घटेंगी, जैसे उसको घटनाओं को हम लोग अलग से जानेंगे, यहाँ पे रिविजन कर रहे हैं। पानीपत युद्ध हुआ 1761, अब सबको पता है पानीपत का युद्ध एक महत्वपूर्ण घटना 1761 का। अब आपसे प्रश्न आ सकता है कि पानीपत के युद्ध के समय कौन मुगल शासक है, शाह आलम है। ये अलग बात है कि पानीपत का युद्ध मुगल शासक से होना नहीं है, लेकिन इस तरह के प्रश्न आते हैं कि उस समय मुगल शासक कौन था, तो शाह आलम के समय में यह पानीपत का युद्ध 1761 में हुआ। फिर आगे अगर हिस्ट्री अपने से भी आप पढ़ रखा है आपने, एक बड़ा युद्ध होना है बक्सर का युद्ध, अब देख रहे हैं इसका पीरियड 1806 तक है, बक्सर का युद्ध 1764, ठीक है, इसमें शाह आलम शामिल भी होगा। आपको पता है हम लोग आगे ही पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध में शाह आलम एक पार्टी होगा, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई हो रही है बक्सर उसमें शाह आलम भी शामिल होगा, 1764 में युद्ध होगा, ठीक है। आपको पता है इसके बाद से बक्सर के युद्ध के बाद से जो अंग्रेजों को दीवानी अधिकार प्राप्त होने हैं वो शाह आलम ही देगा, ठीक ना, ये हम लोग अलग से बक्सर के युद्ध में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी आप जान जाइए कि शाह आलम जो है मेरा शासक है वही बक्सर के युद्ध में 1764 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेगा और इन लोगों की हार होगी, और उस हार के बाद शाह आलम जो इलाहाबाद की संधि करेगा तो अंग्रेजों को क्या है बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवानी भी शाह आलम के द्वारा ही मिलनी है। मैंने आपसे पहले ही चर्चा किया इसके काल चाहे जो भी रहे हो लेकिन इसके पीरियड से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम हॉल में, एग्जाम में आपको प्रश्न मिलेंगे इनसे, ठीक है। देखिए अभी तक कहाँ है, दिल्ली अभी तक नहीं पहुंचाई है, 64 के युद्ध में भी आपको पता होगा ये कहाँ था, बक्सर का जो युद्ध हो रहा है तो यहाँ से बंगाल का शासक जो मीर कासिम बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से लड़ा है और शाह आलम उसका साथ दे रहा है, तो शाह आलम कहाँ था, दिल्ली में तो है नहीं, बिहार में भी नहीं है, तो शाह आलम 1764 के युद्ध के समय कहाँ है ध्यान में आप लोगों को। आप सबको पता है कि मीर कासिम भाग के अवध जाएगा, वहीं शाह आलम इसको मिलेगा, अवध का नवाब और शाह आलम वहीं पर था, वहीं से ये साथ होकर के आएगा, ठीक है। पूजा लिखी रही है कि अवध में शाह आलम था, ठीक है, अभी तक गया नहीं, तो शाह आलम दिल्ली कब जा पाया, बादशाह तो हो गया लेकिन 1772 में दिल्ली जा पाया, ये आपके लिए प्रश्न है फिर से कि बादशाह बन जरूर गया था लेकिन दिल्ली कब गया, तो मराठा सरदार महादजी सिंधिया, एक मराठा सरदार थे महादजी सिंधिया नाम है उनका, महादजी सिंधिया के संरक्षण में ये 1772 में दिल्ली गया, ठीक है, वो अपने साथ ये मराठा सरदार दिल्ली ले जाएंगे और दिल्ली के तख्त पे इसको बैठा दिए, ठीक है। किस तरह 72 में ये मराठा संरक्षण में महादजी सिंधिया के संरक्षण में ये दिल्ली पहुंचा, ठीक है, और दिल्ली के गद्दी पे अब ये 1772 में है, ठीक ना, और यहां से ये मराठों के संरक्षण में रहेगा 1803 तक, ठीक है, 1772 से 1803 तक कैसा रहेगा, मराठा संरक्षण में ही रहेगा शाह आलम, ठीक है, अपना स्वतंत्र नहीं है एक तरह से मान के चलिए, मराठों के संरक्षण में ही है दिल्ली में 1803 तक इसको रहना होगा। ठीक है, चलिए इधर से सबको म्यूट कर दिए हैं, ऐसे भी बोलने का सुविधा आपको हम प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, वो कल से देंगे, इधर से म्यूट कर दिए सबको। चलिए 1803 में मराठा संरक्षण, 1803 तक क्या है ये मराठा संरक्षण में रहने वाला है कौन, शाह आलम, ठीक है। अब इसी 1803 में अंग्रेज का एक सेनापति है, 1803 में स्थितियां बदलेंगी, ठीक ना, 1803 तक तो मराठा के संरक्षण में रहा, 1803 में अंग्रेजी सेनापति लिख है, एक अंग्रेजी सेनापति का नाम होगा लेक, ये पहुंचा दिल्ली, ठीक है, और लेक जब दिल्ली आएगा ये तो इसने क्या किया है, दौलतराव सिंधिया को पराजित किया, और दिल्ली में ये अब मराठा संरक्षण किसको मिल जाएगा, दिल्ली में जो संरक्षण था मराठों का अब अंग्रेजों का मिल गया, इसलिए इसलिए कि लेक ने क्या किया, मराठा सरदार थे दौलत राव सिंधिया, ये दौलत राव सिंधिया मराठा सरदार को पराजित कर दिया, तो मराठों के संरक्षण में था आपका शाह आलम और मराठा का सरदार दौलत राव सिंधिया अंग्रेज सेना नायक लेक के द्वारा पराजित हुआ, पलता अब शाह आलम किसके संरक्षण में चला गया, अंग्रेजों के संरक्षण में चला गया 1803 से 1806 तक, 1803 से 1806 तक शाह आलम
अंग्रेजों के संरक्षण में रहा, ठीक है, और 6 में ही इसके शाह आलम की हत्या हो गई। तो अपने जीवन के अंतिम समय तक वो अंग्रेजों के संरक्षण में रहा है, ठीक है। इस तरह हमको शाह आलम आपके लिए समाप्त हुआ यहाँ पर। फिर आगे जब हम लोग बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे या इलाहाबाद की संधि आएगी तो फिर से शाह आलम आपके पास आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ तक देखे। इस शाह आलम के बाद राजा होगा अकबर सेकेंड। अकबर द्वितीय शासक बना 1806 से 37, इसका पीरियड 1806 से 37 है। अकबर सेकेंड, अकबर सेकेंड के विषय में हम लोग को मान के चले आपके सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपका जानना चाहिए। अकबर द्वितीय के विषय में एक प्रश्न है जो आपसे बार बार पूछा जाता है, एक इसके काम है अकबर द्वितीय का। इसने राजा की उपाधि दी, ठीक है, किसको? अकबर द्वितीय के समय में एक महान समाज सुधारक हमारे यहाँ हुए हैं, उनको राजा की उपाधि इसके द्वारा दी गई, जो आपसे बार बार एग्जाम हॉल में पूछा जाता है, ठीक ना। आपको नाम ही आ जाना चाहिए था, राजा राम मोहन राय। नाम सुने हैं ना, राजा राम मोहन राय, ठीक है, ठीक है, राजा राम मोहन राय, ठीक लिखा, राजा राम मोहन राय नाम ही ये जो राजा की उपाधि है, ये किसने दिया? अकबर द्वितीय ने। राम मोहन राय, ठीक है, इनको राजा की उपाधि देने वाला अकबर द्वितीय था। अब आप समझ गए कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजा राम मोहन राय महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है भारतीय इतिहास में, ठीक है, और उनको ये राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया, इसलिए ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है, ठीक है। मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को, सही है, ठीक। और इसके पीरियड में 1806 से 37 अंग्रेजों का प्रभाव इतना बढ़ा कि 35 में इन लोगों ने मुगल सिक्के बंद करवा दिए। बस दो चीज इसके पीरियड में आपको ध्यान रखना है, एक किसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, दूसरा आपको ध्यान रखना है कि इसके पीरियड में 1835 में मुगल सिक्के बंद हो गए, ठीक है। बस अकबर द्वितीय पे इतना ही आप ध्यान रखेंगे, आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट है बहादुर शाह सेकेंड, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक ना। 1837 से कब तक इसका पीरियड है, या 1837 से बहादुर शाह कब बन गए? 1837 में बने बहादुर शाह सेकेंड, और ये कब तक रहेगा? इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, जफर क्या है, इसकी का ही उपनाम है जफर, ठीक है। 37 से 57, 57 के विद्रोह में, क्योंकि आपसे बार बार पूछा जाता है, आपको ध्यान एकदम होना चाहिए, ठीक है, फिर 57 तक कि 57 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन है? आप जानते हैं कि मुगल शासक बहादुर शाह जफर था, उस समय बहादुर शाह द्वितीय, तो ही बहादुर शाह सेकेंड है, मतलब अंतिम मुगल शासक है बहादुर शाह सेकेंड। अंतिम मुगल शासक पूछा जाएगा तो कौन है आपसे, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल शासक है, ठीक है। तो यही इसके बारे में लिखना है कि इसके समय में क्या हुआ, 1857 का विद्रोह हुआ, और आप जानते होंगे इस विद्रोह में इसने विद्रोही सेना का नेतृत्व किया था, ठीक है। विद्रोह के बाद 1857 का जब विद्रोह समाप्त हुआ है, इसको क्या किया गया, इसको बंदी बना लिया गया, और बंदी बना के बहादुर शाह द्वितीय को देश से निर्वासित कर दिया गया। कहाँ भेज दिया गया इसको, इसको निर्वासित करते हुए भेज दिया गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन आपसे ये भी होगा कि बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई, ठीक है, बहुत लोग बता रहे हैं कि इसमें इनको रंगून भेज दिया गया, सही है, एकदम ध्यान रखिएगा, एकदम पीटी फैक्ट्स है ये, एकदम आपको तथ्य हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि बहादुर शाह द्वितीय 1857 के विद्रोह के बाद क्या हुए, बंदी बनाया गया और कहाँ भेज दिए गए, रंगून भेज दिए गए, वहीं उनकी मृत्यु कब हो गई, 1862 में इनकी मृत्यु भी हो गई, ठीक है। इनकी मृत्यु भी रंगून में हो गई। अगर पूछेगा इनकी मृत्यु कहाँ हुई, बहुत बार इसलिए पूछता है कहाँ भेजा गया, नहीं पूछता, हम देखें कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन में ये आ गया है कि बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई, ठीक है, तो दिल्ली, आगरा, काबुल, रंगून, ऑप्शन देगा आपको। अगर आप नहीं जानते रहेंगे तो अंदाज पे जाइएगा तो फिर नहीं कर पाइएगा, रंगून अगर जानेंगे तभी आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसकी मृत्यु रंगून में हो गई। इसके विषय में अंतिम रूप से है कि मुगल
जो 1857 का जो विद्रोह समाप्त हुआ, आपको पता है कि इसकी महारानी विक्टोरिया का क्या हुआ, घोषणा पत्र सामने आया, ठीक है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया। तो महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र आएगा 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र सामने आया। तो पता है उसी घोषणा पत्र के साथ ही मुगल शासन औपचारिक रूप से भी समाप्त हो गया, ठीक है, द एंड हो गया मुगल शासन का। इस तरह बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट हुए, ठीक है। अब बहादुर शाह जफर के विषय में एक चीज है, लग से कि एक गजल के बारे में है कि एक गजल भी लिखते थे, गजल लेखक भी थे, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है मुगल शासक कौन, मुगल शासक है जो कि गजल भी लिखते थे, गजल लेखक के रूप में भी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो बहादुर शाह द्वितीय को गजल लेखन के क्षेत्र में भी आप देखेंगे, ठीक है, बुक्स में भी आपको मिला होगा, एक प्रसिद्ध इनका गजल है। अच्छा, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि किसी किसी का स्टेटमेंट भी बुक में पूछ देता है, ठीक है। एक बार पीटी में देखे थे, वो 1857 के विद्रोह के समय का ही है, कि दिल्ली में कौन था, कौन सा गजल गायक उस समय दिल्ली में था, ठीक है, जिसका स्टेटमेंट ये भी ध्यान में, जहां तक है कि मेरे आंख के सामने रक्त का समंदर बह रहा है, खुदा ही जानता है और क्या देखना बदा है, ठीक ना, ये भी आपके प्रीलिम्स क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है। इसी तरह इसका भी गजल जो है आपने कहीं पढ़ा होगा, बहादुर शाह ने भी लिखा था, जिसकी प्रसिद्ध उक्ति है कि ना किसी की आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं। देखें कि पढ़ें इसको, किताब में 2 लाइन है, जो किसी के काम ना आ सका मैं वह बुझता हुआ चिराग हूं, ये इसी का गजल है, ठीक है, बहादुर शाह जफर के द्वारा लिखा हुआ। ठीक, यहाँ तक आप मुगल शासक को देख लिए, उत्तरकालीन मुगल यहाँ पे आपका समाप्त हुआ। अब आपको देखना है ये, अब आपको हम लोग मुगल दरबार में दल देखेंगे, ठीक ना। हम दो तीन चीज छोटे छोटे हैं जिसको हम लोग देख के आज समाप्त कर लेंगे, तो आगे फिर हम लोग बढ़ पाएंगे। तो आपका 20 मिनट हुआ, दो तीन चीज हम लोग समाप्त कर सकते हैं जो मुगल से संबंधित है। तो मुगल दरबार में दल हम लोग देखेंगे। अभी आप आज ये जो हिस्ट्री हमसे पढ़े, अभी मुगल उत्तर बढ़ते मुगल, इसमें बहुत सारे नाम आए होंगे आपके सामने, जो किसी ना किसी को क्या कर रहा है, राजा बना रहा है या अपने हाथ में शक्ति ग्रहण कर रहा है। जैसे जहांदर शाह मेरा राजा बना था बहादुर शाह फर्स्ट के बाद, ठीक है, उसमें आप पढ़ेंगे कि अयोग्य शासक है, अयोग्य पुत्र था, ऐसा नहीं था कि वो योग्य था, लेकिन जहांदर शाह क्या हुआ, शासक बन गया, किसकी मदद से, किसकी मदद से बना था, जहांदर शाह शासक बना। पिछले क्लास में आप देख चुके हैं इसको, जहांदर शाह किसकी मदद से शासक हुआ, हम आपसे बोले भी थे कि आपसे प्रश्न में आएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद रखने का प्रयास करेंगे, एक दो बार देखेंगे तो, ठीक ना। ठीक है, कुछ लोग बता रहे हैं जुल्फिकार खां की मदद से, ठीक है, अगर उसकी मदद से आया तो सही आंसर आपका है, ठीक ना, देख के बताना नहीं है, ये याद है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए अब हम लोग यहाँ पे दल पढ़ना है, ठीक ना। तो मुगल शासन में बहुत सारे दल हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 दल माने गया, मुगले पीरियड में जो दल है मुख्य रूप से यहाँ पे 4 दल माना गया है, ठीक है। पहला है तुरानी दल। इस दल से भी क्वेश्चन आता है, इवन कि यूपीएससी के जो पीटी पहले हिस्ट्री सब्जेक्ट जब उसमें था, वहां भी दल से प्रश्न आए हुए हैं, ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। तुरानी दल, तुरानी दल मुख्य रूप से क्या था, ये लोग सुन्नी मुसलमान थे, ठीक है, और तुरानी दल का जो महत्वपूर्ण जो सरदार रहा हुआ है निजामुल मुल्क अमीन खान जकरिया खान। तुरानी दल में कौन लोग था, निजामुल मुल्क, ठीक है, निजामुल मुल्क, इसका भी नाम आपको ध्यान में होगा, ठीक है, हैदराबाद के स्थापना में रहेगा अमीन खान। अमीन खान भी पिछले क्लास में आपसे चर्चा किए थे हम, अगर आपको ध्यान है तो बता पाएंगे तो बताइए, अमीन खान, अमीन खान, इसका नाम आपको बताया गया था किस लिए, जकरिया खान, ठीक है। ये तुरानी दल में है, 3 व्यक्ति महत्वपूर्ण, तुरानी दल है सुन्नी मुसलमानों का, निजामुल मुल्क अमीन खान और जकरिया खान, 3 था। दूसरा दल है तुरानी के बाद ईरानी दल, ईरानी,
ईरान वाले में ये लोग शिया मुसलमान थे, ठीक है, ईरानी दल है, ये लोग शिया मत वाला लोग है। तो ईरानी दल में महत्वपूर्ण था जुल्फिकार खां। अभी जो आप देखिए जहांदार शाह को जो बनाया था राजा, जुल्फिकार खां नया था ना, ये क्या था, ईरानी दल का था ये जुल्फिकार खां। इसके साथ ही आप जानेंगे सआदत खां, दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण था वो था सआदत खां, ठीक है, ईरानी दल में जुल्फिकार खां और सआदत खां, तो महत्वपूर्ण हो गए। यहाँ भी और भी नाम होंगे लेकिन दो ज्यादा महत्वपूर्ण है, अमीर खां, इसहाक खां, दो भी जानिएगा तो काम चलेगा, सआदत खां, जुल्फिकार खां, ईरानी दल में थे ये सिंह, ठीक है। तीसरा दल था यहाँ अफगानी दल, अफगान वाला लोगों का अफगानी दल है, तीसरा दल महत्वपूर्ण था। उसमें थे अली मोहम्मद खां, अली मोहम्मद खां, ठीक है, अली मोहम्मद खां और मोहम्मद खां बंगश का अगर नाम सुने होंगे, मोहम्मद खां बंगस, इसी में जोड़ लेंगे, मोहम्मद खां बंगस, अली मोहम्मद खां और मोहम्मद खां बंगस, इसमें थे। चौथा दल है हिंदुस्तानी दल, ये हिंदुस्तानी दल का नाम बता पाएंगे? अभी भी अभी जो उत्तरकालीन मुगल में आप पढ़े हैं, मान ली इतने महत्वपूर्ण नेता को तो आप जान गए, अब हम आपसे पूछते हैं कि हिंदुस्तानी दल में कौन थे, उत्तरकालीन मुगल में से कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति को सोच के बताइए जो इसमें रहा होगा हिंदुस्तानी दल में, कोई ऐसा सरदार बताइए सोच करके, कुछ भी IQ लगाइए अपना, सोच पा नहीं पा रहे हैं। कौन कौन बच गया? जुल्फिकार खां को आप देख ही लिए हैं, ठीक है, निजामुल मुल्क को यहाँ पढ़ ही लिए, अमीन खां को पढ़ ही लिए, सआदत खां यहाँ आ ही गया नाम, कौन महत्वपूर्ण बचा है? श्रीकांत जी लिखते हैं सैयद बंधु और पूजा जयसिंह सैयद, ठीक है, हिंदुस्तानी दल में ही सैयद बंधु हैं, ठीक, यस कर पाए हैं। लेकिन एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं होता कि हर बार प्रत्येक क्वेश्चन को हम जानते हैं, ठीक है, तो दो को जानते हैं तो तीसरा के आंसर पे हम लोग पहुंच सकते हैं, ठीक ना, इसको समझना है आपको। जैसे अगर हम जानते हैं कि महत्वपूर्ण जो उस समय के लोग हैं किसकी दल से थे, तो हम छाटेंगे भी ना, अगर निजामुल मुल्क को हम जान देख रहे हैं सामने तुरानी दल में है, यहाँ देख रहे हैं जुल्फिकार खां ईरानी में है, अफगानी वाली मोहम्मद खां, तो एक महत्वपूर्ण सरदार उसमें बच गया सैयद बंधु, ठीक है, तो सैयद बंधु लोग हिंदुस्तानी दल में थे, ठीक है, ये लोग पहले हिंदुस्तान आ गया था, ये लोग भी इसके वंशज भी मतलब इसके पूर्वज भी मेसोपोटामिया से ही आए थे, लेकिन ये लोग पहले यहाँ बस गया हिंदुस्तान के साथ लोगों के साथ, यहाँ पे स्थानीय सरदार थे उनके साथ इसने अपने संबंध स्थापित कर लिए थे। सैयद बंधु में आप पढ़े होंगे स्थानीय सरदार, मराठा से संबंध इसके अच्छे थे, इसी के सहयोग से इसने फर्रुखसियार को फिर से अपदस्थ किया था, ठीक है, और मराठा के साथ साथ इसने दूसरे स्थानीय सरदारों से भी अच्छे संबंध बनाए थे, इवन कि राजपूत से भी इनके अच्छे संबंध थे, और सैयद बंधुओं के संबंध के कारण से ही अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियार से किया था, ठीक है। तो ये चार दल था यहाँ पे। अभी हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि अमीन खान के बारे में आपने सुना था, तो अमीन खान कौन है? यही अमीन खां आपको मैंने लिखाया होगा, सैयद बंधु के पतन में है, ठीक है, ये सैयद बंधुओं को हराने में मतलब का प्रभाव समाप्त करने में दिल्ली से अमीन खां और निजामुल मुल्क, यही दोनों का महत्वपूर्ण हाथ होगा, ठीक ना, इसी दोनों ने षड्यंत्र से सैयद बंधुओं का पतन कराया है, मतलब इनको पराजित किया है, इनकी हत्या की है, ठीक है। तो अमीन खां देख रहे हैं ना तुरानी दल में थे, तुरानी दल वालों ने ही हिंदुस्तानी दल का मुगल वंश में जो प्रभाव था उसको समाप्त करने का काम किया है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा तो बताइएगा। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं, हम सिर्फ सैयद बंधु को आगे थोड़ा सा जानेंगे, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, सबके बारे में कुछ कुछ अलग से जहां आएगा वहां हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ देखिए सैयद बंधु पे जानेंगे, ये जो मेरे सैयद बंधु हैं, नाम आप सबको पता होगा, क्या क्या नाम है आप बोर्ड पे वहां लिख पाइए चाहे नहीं लिख पाइए, ठीक है, आपके दिमाग में घूमना चाहिए, जब भी हम पूछते हैं बोलते हैं तो आपके दिमाग में अगर घूम रहा है तो सही है। एक था अब्दुल्ला खां, दूसरा हुसैन अली खां, दो नाम है। अब्दुल्ला खां को कौन सा पद मिला? दूसरी बात आप क्या बताएंगे हमको, अब्दुल्ला खां को कौन सा पद मिला है? वजीर का, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, इसलिए समझिए, अब्दुल्ला खां वजीर, और हुसैन अली खां क्या बन गया? मीर बख्शी, मीर बख्शी, जो मीर बख्शी का पद है, क्या है मीर बख्शी?
मुगल शासन में मीर बख्शी किसको कहते थे? अब्दुल्ला खां वजीर, हुसैन अली खां मीर बख्शी बन गया। ठीक है, अभी हमने आपसे चर्चा कर दिया है पहले भी कि निजामुल मुल्क अमीन खां ने क्या किया, इसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा है सईद बंधुओं के खिलाफ। इसी निजामुल मुल्क का कहीं कहीं किताब में आपको मिलेगा नाम चिनकिलिज खां। चिनकिलिज खां, कंफ्यूज मत कीजिएगा, चिनकिलिज खां इसी का नाम है, चिनकिलिज खां। ठीक है, चिनकिलिज खां निजामुल मुल्क। ठीक है, चिनकिलिज खां और अमीन खां ने एक षड्यंत्र किया और कुछ सरदारों को अपने तरफ मिलाया, और इन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हुसैन अली खां को दक्कन का सूबेदार बनवा दिया, दक्कन का सूबेदार। ठीक है, हुसैन अली खां को दिल्ली से दूर करने के लिए इन लोगों ने दक्कन का सूबेदार बनवाया। ठीक है, और निजामुल मुल्क के साथ मिलकर इन लोगों ने शाही सेना को लेकर दक्कन पर आक्रमण भी करवाया है। उस समय हुसैन अली खां वहां नहीं है, तो हुसैन अली खां के पुत्र की इसमें हत्या भी हो जाएगी। ठीक है, फिर हुसैन अली खां से दिल्ली में ये लोग मिलेगा, और इनका एक व्यक्ति है हैदर खां, वो उसको एक प्रार्थना पत्र देगा, और हुसैन अली खां उसको पढ़ रहा होगा उस याचिका को, धोखे से चाकू मार के उसकी हत्या कर देगी, उसका हत्या कर दिया जाएगा। सिंपल समझिए, हुसैन अली खां का धोखा से हत्या। इस ग्रुप ने क्या कराया, इस तुरानी दल ने धोखे से हैदर खां के द्वारा हुसैन अली खां की हत्या करवा दी। क्लियर है, इतना ही आपको याद ध्यान रखिएगा, तब भी काम चलेगा आपका। हुसैन अली खां जो सैयद बंधुओं में दूसरे भाई थे, तुरानी दल के लोगों ने एक षड्यंत्र रचा और हैदर खां के द्वारा क्या किया, उसकी हत्या करवा दी। ठीक, जब उसकी हत्या हो गई तो अब्दुल्ला खां सोचेगा कि हम बदला ले। अब्दुल्ला खां ने क्या किया, अपनी सेना के द्वारा इस पे आक्रमण किया है, शाही सेना के खिलाफ उसका झगड़ा हुआ अब्दुल्ला खां। लेकिन इस युद्ध में शाही सेना से मतलब इनका समर्थन तो रहेगा, निजामुल मुल्क उनको उधर से है तुरानी दल, अब्दुल्ला खां पराजित हुआ। लेकिन इसमें अब्दुल्ला खां भी पराजित हो जाएगा 1720 में। 1720 में एक युद्ध हुआ अब्दुल्ला खां और शाही सेना के बीच, जिसमें 1720 में यह अब्दुल्ला खां जो है पराजित हुआ। 1720 अब्दुल्ला खां पराजित हो जाएगा और 1722 में उसको जहर दे के मार दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह सैयद बंधुओं का अंत हो गया। ठीक ना, 1720 में हुसैन अली खां की मृत्यु हो गई, धोखे से हत्या कर दी गई, और 1720 में अब्दुल्ला खां पराजित हुआ और 1722 में जहर देकर उसको मार दिया गया। इसे विदेशी आक्रमण से यहाँ पे दो चर्चा में भी आया है, तो दोनों को हम लोग थोड़ा विस्तार से जान जाएंगे। ठीक है, इसी उत्तरकालीन मुगल में हम अभी जो आप शासक पढ़े हैं उसमें आप देखेंगे, अगर देखिए दो विदेशी आक्रमण की चर्चा आई। पहला आपका नादिर शाह, पहला आप पढ़े क्या, नादिर शाह का आक्रमण, इसको जानेंगे पहले। ठीक है, ये नादिर शाह जो है उसका नाम था नादिर कुली, नादिर शाह का नादिर कुली नाम था। ये नादिर शाह जो शासक है, ईरान का नेपोलियन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है, इसको नादिर शाह को तो ईरान का नेपोलियन बोला जाता है, और भारत का नेपोलियन ये कहाँ का शासक है, फारस का शासक है, ईरान का शासक है, ईरान का नेपोलियन इसको बोला जाता है। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़े थे कि आपका भारत का नेपोलियन इसको कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, कुछ लोग बता रहे हैं, श्रीकांत जी बता रहे हैं, आप लोगों का ठीक ही जवाब है कि समुद्रगुप्त को बोला जाता है। ठीक, चलिए देखिए, तो नादिर शाह फारस का शासक था। ठीक है ना, इसका भारत पर आक्रमण कब होना है, 1739 में होना है। वस्तुतः ये जो नादिर शाह व्यक्ति है, जब ये फारस में है उसी समय अफगानों का हमला होगा फारस पे, और अफगानों को फारस से ईरान से भगाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा नादिर कुली का। ठीक ना, नादिर कुली का जो महत्वपूर्ण योगदान होगा, तो वहां का जो फारस का जो वंश के जो शासक है वो इसको क्या करेगा कि महत्वपूर्ण स्थान देगा और आधा फारस में इसको शासन का अधिकार दे देगा। ठीक
ठीक है। और जब फारस के अंतिम शासक का जब मृत्यु हो जाएगा, फारस में जो सफवी राजा थे, सफवी वंश वाले लोग वहां पे था, तो सफवी राजा का मृत्यु हो गया, अंतिम जो सफवी राजा 1736 में मृत्यु हो जाएगा, तो ये जो नादिर शाह ही, नादिर शाह के नाम से, नादिर कुली क्या, नादिर शाह के नाम से फारस का शासक बन गया। ठीक है, इस तरह हम लोग देखते हैं कि फारस का शासक था नादिर शाह। कहाँ का राजा है? ईरान का ही राजा था नादिर शाह। ठीक है, अब जब ये राजा बनेगा तो इसने सोचा कि हम पहले कंधार तक अपना विजय प्राप्त कर ले, अफगान तक, क्योंकि अफगान वाले लोग ही यहाँ आक्रमण करते रहते थे, ताकि मेरा राज सुरक्षित हो जाएगा। जिसको लगा कंधार के शासक को हराने के समय हमको करना क्या चाहिए, कि भारत में जो मुगल शासक है उसको बोलना चाहिए कि आप अफगानों का मदद ना करें, ठीक है, उसको अलग थलग करेंगे, तब आक्रमण करके अफगान को जीत लेंगे। उसने मुगल शासक कौन है उस समय, आप सबको पता है मोहम्मद शाह के समय आक्रमण हुआ, मोहम्मद शाह है। मोहम्मद शाह को कहा कि आप अफगानों को काबुल में संरक्षण नहीं दीजिएगा, मोहम्मद शाह ने स्वीकार कर लिया, बोला चलो ठीक है। इसके बाद नादिर शाह ने क्या किया, आक्रमण किया कंधार के ऊपर। जब इसका कंधार पे आक्रमण होगा, नादिर शाह का आक्रमण कहाँ हुआ, कंधार पे आक्रमण हुआ, आक्रमण होगा तो अफगान के लोग भागेंगे, अफगानी भाग करके गजनी में और काबुल में गए। कहाँ शरण लिया है लोग, गजनी में और काबुल में शरण लेगा। आपको मैंने अभी चर्चा किया कि नादिर शाह ने मोहम्मद शाह से कहा था कि अफगानों से मेरी लड़ाई होगी तो आप अफगानों को शरण नहीं देंगे, उनका साथ नहीं देंगे, लेकिन हुआ क्या, इन लोगों ने शरण गज लिया। यहाँ पे काबुल इसमें मुगल शासन के अधीन ही है, मुगल का भी यहाँ पे नादिर खान नामक व्यक्ति है, यहाँ शासक है मुगलों की तरफ से। ठीक है, काबुल में नादिर खान है, किसके तरफ से, मुगल के तरफ से, शरण मिल गया। नादिर शाह ने आक्रमण नहीं किया अभी भी, अभी नादिर शाह रुका हुआ है, गजनी काबुल का आक्रमण नहीं किया, और सोचा कि मोहम्मद शाह से पहले बात ही करे, तो उसने एक अपना दूत भेजा मुगल शासक की ओर। ठीक है, इसका दूत वहां से चला, इसके दूत के लोगों ने क्या किया, जलालाबाद में, जलालाबाद में मुगल जो सैनिक हैं, मुगल सैनिकों ने इसके दूत की हत्या कर दी। ठीक है, मुगल सैनिकों ने जलालाबाद में इसके दूत की, नादिर शाह के दूत की हत्या भी कर दी, और मोहम्मद शाह ने जो दूत का आदान प्रदान होता है वो भी नादिर शाह के साथ स्वीकार नहीं किया। ठीक है, इतने कारण से नादिर शाह के लिए भारत में आक्रमण का आधार बनाने के लिए पर्याप्त था। ठीक है, इन कारणों से प्रभावित हुआ नादिर शाह और भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, फिर भी इसका जो मूल उद्देश्य है भारत पर आक्रमण का, वो कुछ और ही रहेगा। अब से एग्जाम्स में आते हैं तो उसका मूल उद्देश्य कि नादिर शाह के जो भारत आक्रमण है उसका मूल उद्देश्य क्या था, तो उसका मूल उद्देश्य यहाँ से धन प्राप्ति है, लूटपाट है। क्या है मूल उद्देश्य, लूटपाट है और धन प्राप्ति है। ठीक है, एक आधार बना, एक आधार ये बन गया कि काबुल के मुगल शासक ने क्या किया, अफगानों को शरण दे दिया, उसके दूत की यहाँ मुगल सैनिकों ने हत्या कर दी, ये भी कारण बन गया, और नादिर शाह भारत से धन लूटना चाहता ही था, आधार मिल गया, उसने आक्रमण किया। 1739 में इसका आक्रमण हुआ। ठीक है, पर आपको नादिर शाह आक्रमण 1739 में जानना है। ठीक है, तो ये गजनी होते हुए चला, गजनी गया, काबुल हुआ, गजनी पे अधिकार किया इसने, काबुल गया, काबुल पे अधिकार कर लिया। अब कभी मैंने चर्चा किया था काबुल पे मुगल शासक है, मुगलों की तरफ से, वो कुछ लड़ाई उड़ाई नहीं करेगा, वो तो काबुल पे तुरंत इसका अधीनता स्वीकार कर लेगा। ठीक है, ये यहाँ से आगे बढ़ा पंजाब की ओर, लाहौर होते हुए, कहानी के तहत ध्यान रखिए, नादिर शाह चला गजनी काबुल लाहौर होते हुए, कहाँ, ये पंजाब की ओर बढ़ा। जब ये पंजाब पहुंचने वाला हुआ तब मोहम्मद शाह को लगा कि अब हमको इसका विरोध करना चाहिए और सामना करना चाहिए इसका। मोहम्मद शाह अपनी सेना लेके चला, तो मोहम्मद शाह की सेना में मीर बख्शी था खाने दौरान। मीर बख्शी, हमने आपसे पूछा था मीर बख्शी, मीर जो बख्शी आप बार बार पढ़ रहे हैं हमसे, बहुत बार सुन लिए, सेनापति है, मुख्य सेनापति है। ठीक है, ये मीर बख्शी खाने दौरान को लिया और निजामुल मुल्क को लिया, और रास्ता में सादत खावी से मिल गया। ठीक है, सादत खावी से मिल गया। अब इसकी टीम में कौन हो गया, मोहम्मद शाह, खाने दौरान, निजामुल मुल्क, सादत खां, एक बड़ी सेना इसने इकट्ठा की। ठीक ना, और इकट्ठा करके पंजाब की ओर चला, पंजाब की ओर चला, देख युद्ध हुआ करनाल में। ठीक है, यही आपको जानना है करनाल का युद्ध से।
कहाँ युद्ध हो जाएगा? करनाल का युद्ध हुआ। लेकिन अब इस युद्ध में मुगल जो शक्ति है वो कितना पतन हो चुका है या बिल्कुल शक्तिहीन हो चुका था, शासक तुरंत पता चल गया। इस युद्ध में मात्र 3 घंटे में मुगल सेना हार गई। ठीक है, करनाल के युद्ध में नादिर शाह को, मोहम्मद शाह को पता भी नहीं था कि नादिर शाह कहाँ है, कितना फौज है, कुछ जानने का प्रयास नहीं किया। पंजाब को जा रहा था, इसके अग्रिम पंक्ति में जो सादत खान था इस पे जब उसकी नादिर शाह की सेना ने अटैक कर दिया, तभी लोगों को पता चला कि अटैक हो गया। ये लड़ने तो जा ही रहे थे, लेकिन इसके लिए भी तैयार नहीं थे कहाँ पे लड़ाई होनी है। तो करनाल में लड़ाई अचानक हो गई। ये लड़ाई अचानक हो गई तो इसका जो खाने दौरान है मीरबख्शी मुख्य सेनापति, इसकी हत्या हो गई तुरंत। सादत खान जो इनके साथ था ये बंदी बना लिया गया, आगे आगे चल रहा था बंदी बना लिया गया, और 3 ही घंटा में मुगल सेना हार गई। ठीक है, स्पष्ट हो गया कि मुगल शक्ति इस समय तक एकदम छीन हो चुका था। ठीक, जब ये हार गया अब क्या होना था, निजामुल मुल्क, आपको पता है इसके साथ कौन आया है, निजामुल मुल्क भी साथ में है। तो निजामुल मुल्क ने क्या किया, संधि का प्रयास किया कि भाई आप लोग दोस्ती कर लिए, मोहम्मद शाह को कहा कि समझौता कर लिए, तो समझौता हुआ। नादिर शाह और कौन है शासक, मोहम्मद शाह में क्या हो गया, एक समझौता होगा। इस समझौते में क्या होना है, बिल्कुल नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते में लोगों ने बोला कि आपको 50 लाख देते हैं, लौट जाइए। ठीक ना, बोला कि 20 लाख तो अभी तुरंत ले लीजिए और 10 लाख 10 लाख 10 लाख 3 बार में देंगे। ठीक है, 10 10 लाख करके आपको देंगे, लौटने लगिएगा तो रास्ते में देंगे आपको। ठीक है, बोला जब लाहौर पहुंचिएगा तो 10 लाख दे देंगे, अटक पहुंचिएगा वहां 10 लाख दे देंगे। ठीक है, लाहौर में 10 लाख, अटक में 10 लाख, और बोला काबुल में 10 लाख दे देंगे। याद रखने का जरूरत नहीं है, इस तरह से कहानी की तरफ से हम बता रहे हैं, ध्यान में रहेगा तो कभी कभी आता है। समझौता कर लिया लोगों ने कि 50 लाख दे देंगे आपको, 20 लाख तुरंत ले लो और 10 10 लाख रुपया किस्त में आपको हम दे देंगे रास्ते में। ठीक है, नादिर साहब खुश हो गया, सोचा निजामुल मुल्क से खुश हुआ। कौन मिलिटर था, निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क संधि करवाया है। निजामुल मुल्क से खुश हो गया, सोचा बड़ा अच्छा आदमी है भाई, कितना पैसा दिलवा दे रहा है। मोहम्मद शाह का मीर बख्शी मतलब मुख्य सेनापति खाने दौरान की मृत्यु हो ही चुकी थी, तो मुख्य सेनापति का पद खाली था। उसने कहा ठीक है चलिए, निजामुल मुल्क को मीर बख्शी बना दीजिए, चलिए हम लौट जाएंगे। ठीक है, यह संधि कर लिया उसने। अब सादत खान, इनके साथ कौन गया था, सादत खान गया था। सादत खान को जब भी पता चल गया, बंदी तो था ही वो, जब ये बन रहा है मीर बख्शी, सादत खान को खुद से मीर बख्शी बनने का मन था। अब वो गया नादिर शाह के पास। इन नादिर शाह से कौन मिला, सादत खान मिला। ठीक है, और इसने नादिर शाह को बताया कि आप ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से 20 लाख रुपया लेके लौट जाएंगे, बहुत पैसा है दिल्ली में, अगर आप दिल्ली चलिए तो आपको 20 लाख नहीं 20 करोड़ मिलेगा। अब इसने नादिर शाह को कह दिया कि 20 लाख में कहाँ मान रहे हैं, 20 करोड़, अगर दिल्ली चलिएगा तो 20 करोड़ रुपया मिल जाएगा तुरंत। तो नादिर शाह को लगा इससे अच्छा मौका क्या। नादिर शाह एक चीज तुरंत समझ गया कि मुगल जो शासन है पूरी तरह, एक तो उसका युद्ध देख ही चुका है, हार रहा है। दिल्ली में समझ गया कितनी गुटबंदी होगी, इसलिए कि यहाँ भी जब ये लोग आया था, कहानी आपको लिखा मिलेगा हिस्ट्री में, कि जब निजामुल मुल्क नादिर शाह से मिलने के लिए गया संधि के लिए, तो नादिर शाह ने पूछा निजामुल मुल्क से कि आप लोग इतनी बड़ी सेना रखते हैं लेकिन मराठों से दिल्ली में हार गए, कैसे हारे हैं, तुरंत आप लोग हार गए मराठों से, क्या कारण है। तो निजामुल मुल्क ने बताया कि हार इसलिए हो गई कि मुगल जो है सरदार उसमें एकता नहीं है, दरबार में बहुत सारे दल है, ठीक है, जो एक दूसरे का विरोध करते रहते, इसलिए हम लोग हार गए। ठीक, तो नादिर शाह तो ऐसे ही कहानी जान रहा था, और जब शहादत खां जाके बोला कि आप दिल्ली चलिए 20 करोड़ मिलेगा, तुरंत समझ गया कि दिल्ली में भी कोई बड़ा विरोध नहीं होना है, वहां भी कोई शक्ति नहीं काम कर रही है, आराम से हम दिल्ली भी कब्जा कर सकते हैं। इसके बाद तो और चला 20 करोड़ रुपए के लालच में और पहुंच गया दिल्ली। अब नादिर शाह कहाँ पहुंच गया, दिल्ली पहुंच गया। ये 20 मार्च 1739 को दिल्ली आ गया। ठीक ना, इस तरह से नादिर शाह 20 मार्च 1739 को दिल्ली पहुंचा।
और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अपने नाम के खुतबे पढ़ाए, कह दिया मुगल शासन समाप्त, फारस का शासन शुरू। अब एक तरह से मान सकते हैं कि 1 से 2 दिन के लिए मुगल शासन समाप्त भी हो गया, यह राजा बन गया नादिर शाह, अपने नाम के खुतबे पढ़वा दिए इसने, ठीक है। लेकिन एक दिन के बाद ही दिल्ली में एक अफवाह फैल गया, ठीक है, अफवाह फैल गया कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई। पब्लिक के बीच एक रिमूर फैला, पब्लिक के बीच में, कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई है। जब ये अफवाह फैला तो पब्लिक ने क्या किया, विद्रोह कर दिया और इनके जो सेना थी, पारस के जो सैनिक थे, उनके उनको मारा जाने लगा और लगभग 700 सैनिक विद्रोह में मारे गए, ठीक है। क्या हुआ, एक अफवाह फैला कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई और दिल्ली के लोगों ने लगभग 700 सैनिकों की हत्या कर दी। अब भाई जब ये नादिर शाह जाना कि भाई इस तरह से दिल्ली में हत्या हो रहा है मेरे सैनिकों की, उसने क्या किया, उसने तुरंत नरसंहार का आदेश दे दिया कि चलो ठीक है तो सबको मारो। और बड़े पैमाने पर नरसंहार शुरू हुआ और लगभग 30,000 लोग दिल्ली में मारे गए, ठीक ना। और मोहम्मद शाह की विनती के बाद, प्रार्थना के बाद ही ये नरसंहार रुका था। मोहम्मद शाह ने किसी तरह हाथ पैर जोड़ के नादिर शाह से इसको रुकवाया, लेकिन लगभग 30,000 लोग इस में मारे गए कत्लेआम में, ठीक है। इस तरह अंतिम में अब नादिर शाह ने कहा, सादत नादिर शाह को क्या बोला गया था, 20 करोड़ रुपए मिलेगा भैया आपको। किसने बोला था, सादत खान ने बोला था। किसने सादत खान को बोला कि भाई तुम 20 करोड़ का व्यवस्था करवाओ, अगर आप 20 करोड़ का व्यवस्था नहीं करा पाएंगे तो आप ही को सजा मिलेगा। तो सादत खान इसके डर से विष खा के मर गया, इस सजा के डर से ही जहर खा के वो मर गया, ठीक है। नादिर शाह रहा लगभग 2 महीने, 57 दिन रहा, पिटी फैक्ट्स है, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। दिल्ली में लगभग 57 डे तक रहा नादिर शाह, इसका ये वापस लौट गया। लौटा तो बहुत पैसा लेके गया, 20 करोड़ का लगभग 30 करोड़ रुपया लेके गया इंडिया से वापस। 30 करोड़ रुपया तख्ते ताऊस, शाहजहां का जो तख्ते ताऊस है जिसको हम लोग मयूर सिंहासन के नाम से जानते हैं, ये भी ले गया। कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा जो आप जानते हैं, वही नादिर शाह ले गया, ठीक है। ये सब आपसे पीटी फैक्ट्स है अब आपके पास, कि मयूर सिंहासन लूट के कौन ले गया, नादिर शाह। कोहिनूर हीरा कौन ले गया, नादिर शाह ले गया। पैसा पूछेगा तो लगभग 30 करोड़। इसके अलावा बड़ी संख्या में इसने ऊंट, हाथी और यहाँ से कुछ काम करने वाले लोग, जैसे बढ़ई, लोहार, इन लोगों को भी ले गया ये, ठीक है। इस तरह के लोगों को लेकर के इतने धनराशि के साथ ये वापस लौट गया। लौटने से में इसने काम किया खाली, कि नादिर शाह ने कहा मोहम्मद शाह को, कौन था शासक दिल्ली में, मोहम्मद शाह, ठीक है आप सम्राट रहिए, इसको सम्राट घोषित कर दिया, ठीक है। इस तरह से मुगल शासन बहाल रहा। हार तो गया था मुगल, चाहता तो यहीं पे मुगल खत्म ही कर देता, लेकिन नादिर शाह अपने यहाँ लौट गया और वापस मोहम्मद शाह को बोला कि ठीक है जाओ तुम राजा रहो, ठीक है। इस तरह नादिर शाह का कर्म समाप्त हुआ, ठीक है। अब हम लोग को ज्यादा समय नहीं लगेगा, अहमद शाह अब्दाली अगर 5 मिनट हम लोग कर लेंगे तो यह आक्रमण खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। और 5 मिनट आप लोग इसको पेशेंस फुल्ली समझ लीजिएगा तो इस चैप्टर मेरा समाप्त हो जाएगा विदेशी आक्रमण का, ठीक ना। अगले दिन हम लोग नया चैप्टर शुरू कर पाएंगे, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। नादिर शाह की जैसे मृत्यु होगी 1747 में, 1747 में नादिर शाह की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद 1748 में ये जो अब्दाली आप देख रहे हैं, अहमद शाह अब्दाली, ये कंधार का शासक बना, ठीक है, और अफगान साम्राज्य की नींव डाल दी, ठीक है। कौन बना है, अहमद शाह अब्दाली, 1748 में, 1747 में कंध उसका, 47 में ही बन के मानिए, 48 में तो आक्रमण हो जाएगा। नादिर शाह की मृत्यु के तुरंत बाद ये 47 में अब्दाली कंधार का शासक बन गया, और इसने 1748 में तो पहला आक्रमण कर दिया पंजाब पर। इसके भी आक्रमण का मूल उद्देश्य क्या होगा, मूल उद्देश्य होगा धन प्राप्ति। इसमें भी आपसे पूछेगा अब्दाली के भारत पे आक्रमण का मुख्य कारण था तो धन की प्राप्ति ही है, धन का लूट ही इसका भी मूल उद्देश्य होगा। 1748 पहला आक्रमण पंजाब पे, यह हो गया असफल, अब्दाली की जीत नहीं हुई, उसको लौटना पड़ा, लेकिन वो माना नहीं। ठीक अगले साल फिर उसने आक्रमण किया, 1749 फिर से पंजाब पे आक्रमण किया। पंजाब में जो गवर्नर है यहाँ पे,
इसका नाम था मोइनुल मुल्क, ठीक है, ये इस बार पराजित हो गया, ठीक है। 1749 पंजाब में गवर्नर पराजित हुआ, 1752 इसने तीसरा आक्रमण किया, फिर पंजाब पे आक्रमण है, तीसरा आक्रमण कब किया, 1752 में किया, ठीक है। 1748 पहला में हारेगा, 49 में दूसरा आक्रमण, 52 में तीसरा आक्रमण। तीसरा आक्रमण का सीधा सा कारण होगा कि जो कर गछेगा 14 लाख वार्षिक, जो हम कर देंगे हारने के बाद, वो जब नहीं दे पा रहा होगा तो 1752 में इसने तीसरा आक्रमण कर दिया, ठीक है, अब्दाली ने। तो जो तीसरा आक्रमण करेगा, तो यहाँ पे कौन शासक है, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय भारत में शासक है, आपको बताया हुआ है अहमद शाह है, वही नाम होगा यहाँ भी अहमद शाह। ये सोचा कि बार बार आक्रमण करता है, इसको कुछ दे ही दो, इसने कहा कि ठीक है आप ऐसा कीजिए कि पंजाब और सिंध ले लीजिए। और इसने पंजाब और सिंध किसको दे दिया, अहमद शाह अब्दाली को, तीसरे आक्रमण के बाद पंजाब और सिंध का क्षेत्र दे दिया, ठीक है, पंजाब सिंध मिल गया अहमद शाह अब्दाली को 1752 में तीसरे आक्रमण के बाद। अहमद शाह अब्दाली का कुल कितना आक्रमण है, ठीक है, लेकिन 53 में ही वहां के गवर्नर की मृत्यु हो गई, पंजाब के गवर्नर की मृत्यु हो गई, और इसके वजीर ने, इमादुल मुल्क जो वजीर था अहमद शाह का, उसने क्या किया, अदीना बेग को बना दिया पंजाब का गवर्नर, ठीक है। वो तो जानता था, पंजाब का गवर्नर जो पहले था मिनल मुल्क, उसकी मृत्यु हुई तो अदीना बेग को इन लोगों ने गवर्नर बना दिया, लेकिन इसको जो अदीना बेग को गवर्नर बनाया कि इसमें अहमद शाह अब्दाली की कोई परमिशन नहीं ली गई, कुछ बोला नहीं गया, इसलिए अहमद शाह अब्दाली ने फिर से आक्रमण कर दिया 1753 के बाद। 1756 में ये फिर से घुसा, ठीक है, चौथा आक्रमण इसका 1756 में अब्दाली का, और ये भारतीय सीमा में घुसा, और इस बार क्या किया कि दिल्ली तक घुस गया, जनवरी 1757, 1756 में इंडिया में इन किया और जनवरी 1757 में दिल्ली पे आ गया, ठीक है। ये दिल्ली पे आक्रमण करेगा और बगल में मथुरा आगरा को भी लूटा, ठीक है, लूटने के लिए आता ही था, पैसा के लिए आता ही था, दिल्ली आगरा मथुरा सब इसने 1757 में लूटने का काम किया। और जब लौटने लगा तो बोला कि ठीक है हम राजा नहीं रहेंगे, राजा आप ही लोग रहिए, और आलमगीर द्वितीय को बोला कि आप राजा रहिए यहाँ का, ठीक है। आलमगीर द्वितीय क्या हो गया, यहाँ का राजा था ही, उसको राजा मान लिया। इसने कल अपने तरफ से एक काम किया, नजीबुद्दौला को, एक व्यक्ति है नजीबुद्दौला, ठीक है, बाकी जो व्यवस्था थी वही रहेगा, आलमगीर द्वितीय राजा था रहेगा, इमादुल मुल्क वजीर था वजीर रहेगा, एक नया नाम खाली आपको जानना है, नजीबुद्दौला को इसने क्या किया था, मीर बख्शी बना दिया था, मीर बख्शी का पद इसने दे दिया निजामुद्दौला को, किसने, अहमद शाह अब्दाली ने नजीबुद्दौला को मीर बख्शी बना दिया 1757 में जब दिल्ली तक चढ़ाई किया तब, ठीक है। इसके बाद होना क्या है, इसके बाद 1758 में मराठा सरदार आएंगे, मराठा लोग क्या किया, ये दिल्ली पे अटैक करेगा, आपने पढ़ा होगा मराठे भी क्या किए दिल्ली पे आ गए, रघुनाथ राव के नेतृत्व में ये लोग दिल्ली पे आ गया, रघुनाथ राव मराठा में जानेंगे आप, अब दिल्ली पे इन लोगों ने आक्रमण कर दिया। और जब ये लोग दिल्ली पे आक्रमण करेगा तो बाकी व्यवस्था तो उसे ही चलेगा, केवल ये जो नजीबुद्दौला है था ना दिल्ली में मीर बख्शी, इसको इन लोगों ने दिल्ली से बाहर कर दिया कि भाई तुम बाहर जाओ, ठीक है, और दिल्ली से नजीबुद्दौला को इन लोगों ने भगा दिया, इसके जगह पे दूसरा व्यक्ति मीर बख्शी हो गया, ठीक। तो अब ये जो घटना घट गया, मराठा सरदार ने दिल्ली में जो अब्दाली की व्यवस्था थी उसको भंग कर दिया, तब अब्दाली ने सोचा कि चलो ठीक है, जब ऐसा हो गया तो कोई मराठा से भी लड़ ले, ठीक है। अब मराठों के इस कारण से दूसरी बार अब्दाली का फिर से आक्रमण हुआ, और यही आपको अब आप अब्दाली वर्सेस मराठा पढ़ना है, ये सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हुआ है, कौन सा युद्ध है, यही है पानीपत का थर्ड बैटल 1761, ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 का इसी में हुआ। आप सबको पता है कि इस युद्ध में मराठों की हार हो गई, ठीक है, ये मराठों की निर्णायक हार है। अगर आपसे कोई पूछता है कि मराठों की निर्णायक हार कब हो गई, तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की निर्णायक हार हो गई, ठीक है, ये तय हो गया कि अब वो दिल्ली के शासक नहीं हो पाएंगे, पूरी तरह से हार गए। यही 14 जनवरी 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ और मराठे इस युद्ध में हार गए। कारण आप समझ चुके हैं कि मराठा सरदार रघुनाथ राव ने दिल्ली पर आक्रमण कर जो अब्दाली की व्यवस्था थी उसको चुनौती दी, फलता अब्दाली ने पुनः आक्रमण किया,
और पानीपत के युद्ध में 1761 में मराठों को हरा दिया। ठीक है, यह अब्दाली का क्या था, पांचवा आक्रमण था। पांचवा आक्रमण हो गया अब्दाली का। अब्दाली के कुल कितने आक्रमण है, किसी को पता है अब्दाली ने कुल कितनी बार भारत पर आक्रमण किया है? ठीक, 17 बार ना, 17 बार किसका है जी? 17 बार इसका तो नहीं है, 17 बार किसी का है तो बताइए आप लोग। अब्दाली जब वापस लौटेगा तो क्या करेगा, वही नजीबुद्दौला को फिर 6 बार, ठीक है, छठा बार देखते हैं, 5 बार आप देख लिए, छठा बार देखिए अभी क्लियर हो जाएगा कि कितनी बार है। छठा बार ये 1764 में आक्रमण करेगा। अब इसका कारण क्या रहा, सिखों के खिलाफ, पंजाब में सिख महत्वपूर्ण हो रहे थे, सिखों की शक्ति बढ़ गई थी, तो 1760 इसका क्या होगा, सिख के विरुद्ध में ये इसका आक्रमण होगा। ठीक है, लेकिन जब इसका आक्रमण हुआ, लड़ाई चल रही थी, आक्रमण हुआ उसी समय क्या हुआ, अफगानिस्तान में ही प्रॉब्लम हो गई, आंतरिक संकट अफगानिस्तान में आ गया, इसलिए अब्दाली वापस लौट गया तुरंत। अब्दाली क्या हुआ, वापस काहे लौट गया तुरंत, अफगानिस्तान में समस्या हुआ, अब्दाली वापस लौट गया। इसका 7वां आक्रमण हुआ, 64 में आक्रमण किया, नहीं सफलता मिली, अफगानिस्तान में समस्या हो गया, तुरंत वापस लौट गया। इसने 7वां आक्रमण किया 1767 में, कहां किया, फिर पंजाब पे किया, क्यों, फिर वही सिख समस्या, सिखों की शक्ति बढ़ रही थी, इसने फिर से सिखों के खिलाफ आक्रमण किया। लेकिन इसमें भी सिख क्या हुए, पूरी तरह पराजित नहीं होंगे, इनको पूरी तरह पराजित नहीं कर सका, और बीच में ही इसको वापस लौटना पड़ गया। ठीक है, इस तरह अब्दाली के 7 आक्रमण हुए भारत में। अब्दाली कितने बार आक्रमण करेगा, 7 बार करेगा। ठीक है, 17 बार पे अब विष्णु जी लिख रहे हैं कि 17 बार गजनी का है, सही है, अब्दाली का 7 बार आक्रमण है। ठीक है, इस तरह अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भी आपका समाप्त हुआ। जो आपको विदेशी आक्रमण 2 पढ़ने थे इस पीरियड में महत्वपूर्ण, दोनों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब